नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित निबंध गेहूं बनाम गुलाब। गेहूं हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं। एक से शरीर की पुष्टि होती है, दूसरे से मानस तृप्त होता है। गेहूं बड़ा या गुलाब, क्या हम चाहते हैं पुष्ट शरीर या तृप्त मानस, या पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस? जब मानव पृथ्वी पर आया भूख लेकर, क्षुधा क्षुधा, पिपासा पिपासा, क्या खाए क्या पिए, माँ के अस्तनों को निचोरा, वृक्षों को झकझोरा, कीट पतंग पशु पक्षी कुछ न छूट पाए उसे। गेहूं, उसकी भूख का काफला आज गेहूं पर टूट पड़ा है। गेहूं उपजाओ, गेहूं उपजाओ, गेहूं उपजाओ। मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजारे जा रहे हैं गेहूं के लिए। बेचारा गुलाब भरी जवानी में सिसकियां ले रहा है। शरीर की आवश्यकता ने मानसिक वृत्तियों को कहीं कोने में डाल रखा है, दबा रखा है। किंतु चाहे कच्चा चढ़े या पका कर खाए, गेहूं तक पशु और मानव में क्या अंतर? मानव को मानव बनाया गुलाब ने। मानव मानव तब बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी। यही नहीं, जब उसकी भूख खाओ खाओ कर रही थी, तब भी उसकी आंखें गुलाब पर टंगी थी। उसका प्रथम संगीत निकला जब उसकी कमनियां गेहूं की उखल और चक्की में पीस कूट रही थी। पशुओं को मारकर खाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ, उनकी खाल का बनाया ढोल और उनकी सींग की बनाई तुरही, मछली मारने के लिए जब वह अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब तो उसके छप छप में उसने ताल पाया, तरोने छोड़े। बांस ने उसने लाठी ही नहीं बनाई, बंसी भी बनाई। रात का काला घुप पर्दा दूर हुआ, तब वह उच्चवसित हुआ। सिर्फ इसलिए नहीं या पेट पूजा की समिधा जुटाने में उसे सहूलियत मिलेगी, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ। उषा की लालिमा से, उगते सूरज की स्नेह स्नेह प्रस्फुटित होने वाली सुनहली किरणों से, पृथ्वी पर चमचम करते लक्ष लक्ष ओस कणों से, आसमान में जब बादल उमड़े तब उनमें अपनी कृषि का आरोप करके ही वह प्रसन्न नहीं हुआ। उनके सौंदर्य बोध ने उसके मन मोर को नाच उठने के लिए लाचार किया। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को भी इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन वह सीधे तन कर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। गेहूं की आवश्यकता उसे है, किंतु उसकी चेष्टा रही है कि गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। उपवास व्रत तपस्या आदि उसी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं। जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन बना रहा, वह सुखी रहा, आनंदमय रहा। वह कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था। उसके श्रम के साथ संगीत बंधा हुआ था और संगीत के साथ श्रम। उसका सांवला दिन में गाय चराता था, रात में रास रचाता था। पृथ्वी पर जब चलता हुआ वह आकाश को नहीं भूला था, और जब आकाश पर उसकी नजर पड़ी थी तो उसे याद था कि उसकी पैर मिट्टी पर है। किंतु धीरे धीरे यह संतुलन टूटा। अब गेहूं प्रतीक बन गया हड्डी तोड़ने वाले, उबाने वाले, थकाने वाले, नारकीय यंत्रणाएं देने वाले श्रम का, वह श्रम जो पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह शांत न कर सका। और गुलाब बन गया प्रतीक विलासिता का, भ्रष्टाचार का, गंदगी और गलीज का, वह विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी। अब उसके सामने ने हाथ में शंख और चक्र लिए, नतीजा महाभारत और यदुवंशियों का सर्वनाश। वह परंपरा चली आ रही थी, आज चारों ओर महाभारत है, गृह युद्ध है, सर्वनाश है, महानाश है। गेहूं सिर धुन रहा है खेतों में, गुलाब रो रहा है बगीचों में। दोनों अपने अपने पालनकर्ताओं के भाग्य पर, दुर्भाग्य पर। चलो पीछे मुड़ो, गेहूं और गुलाब में हम एक बार फिर संतुलन स्थापित करें। किंतु मानव क्या पीछे मुड़ा है, मुड़ सकता है? यह महायात्री चलता रहा है, चलता रहेगा। और क्या नवीन संतुलन चिरस्थायी हो सकेगा? क्या इतिहास फिर दोहरा कर नहीं रहेगा? नहीं, मानव को पीछे मोड़ने की चेष्टा न करो। अब गुलाब और गेहूं में फिर संतुलन लाने की चेष्टा में सिर खपाने की आवश्यकता नहीं। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे, गेहूं पर गुलाब की विजय, चिर विजय। अब नए मानव की नई आकांक्षा हो, क्या यह संभव है?
बिल्कुल 16 आने संभव हैं। विज्ञान ने बता दिया है यह गेहूं क्या है, और उसने यह भी जता दिया है कि मानव में यह चीर विभुक्षा क्यों है। गेहूं का गेहूंत्व तो क्या है हम जान गए हैं, यह गेहूं तो उसमें आता कहां से है हमसे यह भी छिपा नहीं है। पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रतिक्रिया के पौधों की बलियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। उन्हीं तत्वों की कमी हमारे शरीर में भूख नाम पाती है। क्यों पृथ्वी की कुड़ाई जुताई गुड़ाई, हम पृथ्वी और आकाश के नीचे इन तत्वों को क्यों न ग्रहण करें? यह तो अनहोनी बात, यूटोपिया यूटोपिया। हाँ, यह अनहोनी बात, यूटोपिया तब तक बनी रहेगी जब तक मानव संहार कांड के लिए ही आकाश पाताल एक करता रहेगा। ज्यों ही उसने जीवन की समस्याओं पर ध्यान दिया, यह बात हस्तमलकवत सिद्ध होकर रहेगी। और विज्ञान को इस ओर आना है, नहीं तो मानव का क्या, सर्व ब्रह्मांड का संहार निश्चित है। विज्ञान धीरे धीरे इस ओर भी कदम बढ़ा रहा है। कम से कम इतना तो अवश्य ही कर देगा कि गेहूं इतना पैदा हो कि जीवन की परम आवश्यक वस्तुएं हवा पानी की तरह अफरात हो जाए। बीज खाद सिंचाई जुताई के ऐसे तरीके और किस्म आदि तो निकलते ही जा रहे हैं जो गेहूं की समस्या को हल कर दे। प्रचुरता, शारीरिक अवस्थाओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता की ओर आज मानव प्रभावित हो रहा है। प्रचुरता एक प्रश्न चिन्ह, क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? हमारा सोने का हिंदुस्तान यह गीत गाइए, किंतु यह न भूलिए कि यहाँ एक सोने की नगरी थी जिसमें राक्षसता निवास करती थी, जिसे दूसरों की बहु बेटियों को उड़ा ले जाने में तनिक भी झड़प नहीं थी। राक्षसता जो रक्त पीती थी, जो अभक्ष खाती थी, जिसके अकाय शरीर था, 10 सिर थे, जो 6 महीने सोती थी। गेहूं बड़ा प्रबल है, वह बहुत दिनों तक हमें शरीर का गुलाम बनाकर रखना चाहेगा। पेट की क्षुधा शांत कीजिए तो वह वासनाओं की क्षुधा जागृत कर बहुत दिनों तक आपको तबाह कर चाहेगा। तो प्रचुरता में भी राक्षसता न आवे, इसके लिए क्या उपाय? अपनी मनोवृत्तियों को बस में करने के लिए आज को मनोविज्ञान 2 उपाय बताता है। इंद्रियों के संयमन की ओर वृत्तियों को उर्ध्वगामी करने की। संयमन का उपदेश हमारे ऋषि मुनि देते आए हैं, किंतु उसके बुरे नतीजे भी हमारे सामने हैं। बड़े बड़े तपस्वियों की लंबी लंबी तपस्याएं एक रंभा, एक मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर स्खलित हो गई। आज भी देखिए, गांधी जी के 30 वर्ष के उपदेशों और आदर्शों पर चलने वाले हम तपस्वी किस तरह दिन दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। इसलिए उपाय एकमात्र है, वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करना, कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त कीजिए। शरीर पर मानस की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो, गेहूं पर गुलाब, गेहूं के बाद गुलाब, बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं। गेहूं की दुनिया खत्म होने जा रही है, वह दुनिया जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से हम सब पर छाई है, जो आर्थिक रूप से रक्त पीती रही, राजनीतिक रूप में रक्त बढ़ाती रही। अब दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे। गुलाब की दुनिया मानस का संसार, सांस्कृतिक जगत। आह, कैसा वह शुभ दिन होगा, हम स्थूल शारीरिक अवस्थाओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया लोक बनाएंगे, जब गेहूं से हमारा पिंड छूट जाएगा और हम गुलाब की दुनिया में स्वच्छंद विहार करेंगे। गुलाब की दुनिया, रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया, भौरे नाच रहे, गूंज रहे, फूल सुंघनी फुदक रही, चहक रही, नृत्य गीत आनंद उत्साह, कहीं गंदगी नहीं, कहीं कुरूपता नहीं, आंगन में गुलाब, खेतों में गुलाब, गालों पर गुलाब खिल रहे, आंखों से गुलाब झांक रहा, जब सारा मानव जीवन रंगमय सुगंधमय नृत्यमय गीतमय बन जाएगा, वह दिन कब आएगा? वह आ रहा है, क्या आप देख नहीं रहे हैं? कैसी आंखें हैं आपकी, शायद उन पर गेहूं का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दे को हटाइए और देखिए, वह अलौकिक स्वर्गिक दृश्य इसी लोक में है, अपनी इस मिट्टी की पृथ्वी पर है। शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। अभी आप सुन रहे थे राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित निबंध
गेहूं बनाम गुलाब। धन्यवाद।